हायर लेवल जिसको मैं स्ट्रेटेजिक लेवल कहता हूँ या ये फंक्शनल uh, लेवल है या ऑपरेशनल लेवल मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल uh, वन यानी सिग्निफिकेंट लेवल आपका जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वहाँ से होती है नॉर्मली ये लोग समझते हैं लेकिन ये डिपेक्शन होता है मैनेजेरियल लेवल का मैनेजेरियल लेवल क्योंकि मिडिल लेवल है जिसको फंक्शन लेवल कहते हैं वो आपके स्ट्रेटेजिक लेवल से यानी एम्पेरिकल डाटा ये कहता है कि अगर वो अलाइंट है आपके विजन से आपके स्ट्रेटेजिक विजन से कि उनका आउटकम क्या होना चाहिए रिजल्ट क्या होने चाहिए कंपनी क्या रिकॉर्ड करती है अगले साल में वो कहाँ पर प्लेस अपने आप को देखना चाहती है मुमकिन है कि आपका जो है वो मैनेजमेंट का काम ये है कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट सैलरी जो है वो फिफ्टीन परसेंट और टेन परसेंट लेसे उन्होंने इतना ही बढ़वानी हो और वो इतना ही काम करेंगे लेकिन कंपनी का विजन ये है कि उन्होंने चार और अजला के अंदर कंपनी शुरू करनी है और मुमकिन है ओवरऑल मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है और वो दस अमीर आदमियों में भी वो कंपनी जो वो शख्स है वो अपनी कंपनी के साथ जाना चाहता है तो उसका एफिशिएंसी उसका जो विजन लेवल है वो डिफरेंट होगा और उसका मिशन साइमल्टेनियसली कॉलग्रमेट में आ सकता है नंबर ऑफ अदर कंपनीज में आ सकता है कोई एक कंपनी तो होगी नहीं तो उसके अंदर डिफरेंट और कंपनीज का भी सेगमेंट्स हो सकते हैं लेकिन अब उसको शेयर करना बड़ा लाजिम अगर मैनेजर्स आपके विजन के साथ शेयर वैल्यूज नहीं कर रहे होंगे या वैल्यूज शेयर नहीं कर रहे होंगे तब तक हायर लेवल या लेवल वो रिजल्ट नहीं ले सकता है, इसको एक्स एफिशिएंसी कहते हैं और इसी तरीके से जो ऑपरेशन लेवल है वो आपको उतना प्रोडक्शन नहीं देगा सुपरवाइजर तो आपको प्रोडक्शन नहीं देगा लेबर आपको प्रोडक्शन नहीं देगा आपको ओवर ओवर टाइम भी चार्ज uh, करने के लिए आपको ओवर टाइम लेने के लिए भी रिजल्ट प्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे दिस इज हाउ

और मुझे उसके अंदर ब्लोअर्स रख के जाना है मुझे रिजल्ट वहाँ पे आते हैं और वो चाहते हैं मैं कंपनी को एक्सपेंड कर दूँ और वहीं का रिसोर्स वहीं पर यूटिलाइज कर दूँ और मेरे पास क्लाइंटेज तो आ ही रहा है तो अगर मैं क्लाइंटेज बढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे यही रिजल्ट सऊदिया में चाहिए और मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स वहाँ पर ज़्यादा बिक रहे हैं तो मैं अपनी फैक्ट्री को वहाँ पर ले जाऊँगा और रिसोर्स अगर मुझे वहाँ पर रॉ मटेरियल वहाँ से मिल रहा है तो मुझे अपनी कंपनी डिजाइन को भी चेंज करना होगा शुड बी ऑन एक्स एफिशिएंसी और इसी तरह इंप्लॉय मॉडल को भी एक्स एफिशिएंसी पे रखना होगा तो दिस इज द कंक्लूसिव मॉडल कि हम इसको प्रैक्टिस में कैसे ला सकते होप यू आर गेटिंग द रियल पॉइंट ऑफ एक्स एफिशिएंसी इन प्रैक्टिस थैंक यू वेरी मच